बचपन में दो बार बलात्कार का शिकार हुई 26 साल की इजरायली लड़की ओरिन जूली पूरे देश में क्वीन ऑफ गन्स के नाम से मशहूर हो चुकी है। वो अब पूरी दुनिया में महिलाओं को हथियार रखने को लेकर जागरूक कर रही है। वह बंदूकों के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर करती है, जिससे उन्हें उम्मीद है कि महिलाओं के अंदर भी गन कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना है कि बंदूकों को लेकर चलने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और देश में उनके खिलाफ हिंसा को भी रोका जा सकेगा। इसराइल में ओरिन जूली को क्वीन ऑफ गन्स के नाम से जाना जाता है। ओरिन को उम्मीद है कि एक दिन स्थानीय सरकार उनकी इस मुहिम पर ध्यान देगी और देश में अधिक से अधिक महिलाओं को कानूनी रूप से सुरक्षा के लिए बंदूक ले जाने की अनुमति दी जाएगी। ओरिन जूली इसराइल में ऑनलाइन गन एक्सेसरी शॉप चलाती हैं। आपको बता दें कि इसराइल में सभी नागरिकों को एक निश्चित समय तक सैन्य सेवा करना अनिवार्य है। ओरिन ने भी 18 साल की उम्र में इसराइल डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया और सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट में एक कॉम्बैट सोल्जर के रूप में 3 साल तक सर्विस की। यहाँ उन्होंने बंदूक चलाना सीखा। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ सेल्फ डिफेंस के कई गुण सीखे। वो कहती हैं कि एक बच्चे के रूप में मैं बहुत कमजोर थी, आत्मविश्वास से भरी नहीं थी और दुनिया की वास्तविकताओं से काफी दूर हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं खुद भी कुछ कर सकती हूँ। मुझे अपनी सुरक्षा के लिए, मेरी मदद करने के लिए किसी मजबूत व्यक्ति की जरूरत थी, लेकिन जब मैं फोर्स में शामिल हुई तो मेरे अंदर खुद ब खुद वो सारी खूबियां विकसित हो गईं और अब वो चाहती हैं कि उनकी देश की सारी महिलाएं उनसे प्रेरित हों।